पंडित जी, आप देख रहे हैं कि अभी विधानसभा इलेक्शन शुरू हो रहे हैं, उस दौरान मैं आपको पूछना चाहूंगी, हमारे पूर्व जो मुख्यमंत्री है अशोक जी चव्हाण, उनके बारे में जानना चाहूंगी, उनकी राजकीय भविष्य क्या होगा, क्या आने वाले दिन उनको देखने मिलेगा? देखिए, अशोक शंकर चव्हाण, जब हम उनकी कुंडली का अध्ययन करते हैं तो 28/10/1958 सुबह 6 बजे उनका जन्म हुआ, और जब हम उनकी कुंडली का अध्ययन करते हैं तो मेष राशि और एक धनाढ्य और राजनीतिक परिवार में उनका जन्म हुआ। मेष राशि कृष्ण पक्ष की एकम और भरणी नक्षत्र में उनका जन्म हुआ, और दिग्गज नेता तो है ही हैं, लगन तुला लगन, तुला लगन में ही उनके शुक्र और फेवरेबल प्लैनेट बैठे हुए हैं, शुक्र गुरु सूर्य बुध एक ही लगन में ही बैठे हुए हैं। इस वक्त अगर हम उनकी कुंडली का अध्ययन करें, आई विल कट इट शॉर्ट, गुरु की महादशा लगी हुई है, डेफिनेटली अपनी सीट बचाने में वो नाकामयाब रहे, बल्कि मेरी भविष्यवाणी तो यही थी कि वो जीतेंगे। मैं ऑन एयर मैं तो एक्सेप्ट करता हूँ कि आप अगर वो और उनकी धर्मपत्नी अमिता अशोक चव्हाण जो इलेक्शन लड़ेंगे उसमें डेफिनेटली कामयाब होंगे, मगर यहाँ तक आगे आने वाले दिनों की बात है। एक बात ध्यान रखिए, सदा दिन हो तना एक समाना, डेफिनेटली 2019 में देवेंद्र फडणवीस मुझे वापस मुख्यमंत्री बनते हुए दिखाई देते हैं कुंडली के हिसाब से, मगर कांग्रेस को मजबूत करने के लिए, और कांग्रेस का बहुत से लोग कांग्रेस एनसीपी छोड़कर चले गए हैं, मगर अशोक चव्हाण कांग्रेस छोड़कर जाते हुए दिखाई नहीं देते, और डेफिनेटली कांग्रेस को मजबूत करने के लिए, चाहे उन्होंने अपना अध्यक्ष पद त्याग दिया था, अब मजबूत करने के लिए अपनी भूमिका लगातार निभाते रहेंगे, इतना पक्का है। 3 से 4 साल और हैं, डेफिनेटली आगे आने वाले दिनों में जब भी कांग्रेस की सरकार एनसीपी के साथ या किसी और पार्टी के साथ बनती है तो मुख्यमंत्री का सबसे बड़ा चेहरा अशोक चव्हाण ही हो सकते हैं, मगर इस साल जो है अपनी पार्टी के लिए वो इलेक्शन लड़ें और जीत कर आएं, यही मेरी शुभकामना है।